अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुवैत खबर YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज की वीडियो में कुवैत से सबसे पहली जो खबर आ रही है, कुवैत ईरान विदेश मंत्रियों ने तेहरान में मुलाकात की, संबंधों पर चर्चा की। साथियों, वीडियो के पे जो फोटोज आप देख रहे हो मैं आपको शो कर रहा हूं। साथियों, कल के दिन कुवैत के और ईरान के जो विदेश मंत्रालय यानी फॉरेन जो मिनिस्टर है उन दोनों के बीच में तेहरान गए हुए थे और वहां पे मुलाकात की गई है। मुलाकात के दौरान अलग अलग मुद्दों पे दोनों के देशों के दोस्तों रिश्तों के बारे में, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं अलग अलग मुल्कों के बारे में, वो सारी चीज़ें बातचीत की गई है, जैसा कि दोस्तों खबरों को यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अगली खबर दोस्तों आ रही, वो भी बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। खबर क्या है? कुवैत एयरवेज एंड थाई एयरवेज अनाउंस कॉड शेयर पार्टनरशिप। साथियों, कुवैत एयरवेज जो कि बहुत ही बड़ी एयरलाइंस है और थाईलैंड का थाई एयरवेज वो भी बहुत ही बड़ी एयरलाइंस है, कल दोनों के बीच में साथियों एक समझौता किया गया यानी एग्रीमेंट की गई। एग्रीमेंट के दौरान दोस्तों दोनों फ्लाइटों जो हैं वो कुवैत आएगी और कुवैत से थाईलैंड जाएगी। साथियों, पहले क्या होता था, बहुत सारे कुवैतियों को थाईलैंड आने में प्रॉब्लम होती थी और थाईलैंड आने के बाद कुवैत वापस लौटने में प्रॉब्लम होता था, पर दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से अब खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों एयरवेज के बीच में बहुत ही बड़ा एग्रीमेंट साइन कर दिया गया। किसी को किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा यदि कोई भी थाईलैंड जाते हैं या थाईलैंड से कुवैत आना चाहते हैं या कुवैत से थाईलैंड जाना चाहते हैं, किसी को कोई भी तरह का प्रॉब्लम आने वाले टाइम में नहीं होगा। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही है, 550 किलो ऑफ स्पॉइल्ड मीट डिस्ट्रॉयड। साथियों, कुवैत में जो है खाने पीने चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। यदि कोई भी कंपनी हो, कोई भी दुकान हो, कोई भी स्टोर हो, यदि कोई भी इस तरह का इलीगल एक्टिविटी करता है यानी खाने पीने चीज़ें खराब हो गई हो और यदि उसके बावजूद भी वो मार्केट में सेल कर रहा है तो उस पर तुरंत ही कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो कल के दिन मिनिस्ट्री की तरफ से एक छापेमारी अभियान चलाई गई थी, रैंडमली दुकानों को जाके चेक किया जा रहा था कि कौन कौन से लोग जो है वो खराब सामानों को रख रहे, यानी जैसे कि सामान एक्सपायर कर जाना, जैसे कि फ्रोजन मीट यानी जो मांस जो है वो सड़ गया हो। तो इस तरह से लगभग 550 किलो का मीट स्पॉइल को वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया, यानी मांस को वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया जो कि सड़ चुके थे। उसके बावजूद भी दुकान वाले दुकान में रख रहे थे और बेच रहे थे। वीडियो के सुन पे दोस्तों आप देख सकते हो, खबरों को यहाँ पे पढ़ सकते हो। जो भी मैं खबरें आपको बताता हूँ दोस्तों, मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं गलत खबर आपको दे रहा हूँ। अगली खबर दोस्तों साथियों आ रही है, वो कुवैत में यदि आप सिलेंडर का इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। कुवैत टू अनअप्रूव्ड गैस सिलेंडर रेगुलेटर। साथियों, कुवैत में जो गैस सिलेंडर आप इस्तेमाल करते हो, बहुत जो रेगुलेटर जो ऊपर में लगता है, बहुत सारे रेगुलेटर कंपनियां जो है बनाती है, पर कुछ कंपनियों को दोस्तों अब अप्रूव किया गया है, कुछ को डिसअप्रूव किया गया है। तो जो अप्रूव कंपनियां का रेगुलेटर है उसी को अब आपको लेना है। बिना अप्रूव के कंपनी को दोस्तों बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है क्योंकि गैस फटने वगैरह की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कुछ खबरें थी, अपडेट्स थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, टेक केयर।